बाज़ लोग लाइटिंग के लिए कुंडा लगा लेते हैं बिजली के तारों से, डायरेक्ट कोई मीटर या कोई ऑफिशियल तरकीब नहीं बनाते। तो कुंडा लगाने वाले ये शायद समझते हैं कि ये कुंडा, चूंकि हम अपने घर के लिए तो लाइट कर नहीं रहे, हम तो जश्न विलादत है, हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मना रहे हैं, तो सारे मुसलमानों का जश्न है, तो अगर ये हम लाइटों से कुंडा मतलब ये ले लेते हैं तो ये तो कौन सा हमने अपने घर के ले लिया है, तो जश्न विलादत, सब पूरे महल्ले को पता है, सबने मिलजुल कर तो चरागाह किया है, तो ये कुंडा लगा कर लाइटें जलाना बिजली के तारों से, ये कैसा? कुंडा जो है ये एक गैर कानूनी काम है और गवर्नमेंट की बिजली ये चोरी करने का एक जरिया है। खाली जश्न विलादत के लिए नहीं करते, ये अपने घर में भी इस तरह करते हैं कराची में, और देखो दूसरों के गुनाह से दूसरों को भी तकलीफ होती है, तो ये जिन इलाकों में ये ज्यादा कुंडे होते ना उनमें वो लोड शेडिंग उन इलाकों में ज्यादा होती है, अपने कराची में तो ये नोट किया है, सुना भी है कि ये इसलिए करते हैं कि यहाँ कुंडे वाले बहुत है, इन कुंडे वालों की वजह से जो बेचारे शरीफ लोग हैं तो वो भी तकलीफ में आ जाते हैं, तो ये कुंडे लगाकर जो बिजली हासिल करते हैं ये जाहिर एक तरह के चोरी है ना, बिजली चोरी करी, जो चोरी करे वो चोर, तो चोर मत बने, शाहूकार बने, अच्छे बंदे बने, ना घर के लिए करना है, ना जलसों के लिए करना है, ना नात खानियों के लिए करना है, ना जश्न विलादत के चरागाह के लिए कुंडे लगाने, कोई भी ये देखे अपना इवेंट हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई मैयत हो, कुंडा नहीं लगाना। गवर्नमेंट का इदारा जो है अपना बिजली फराहमी का इदारा, उससे राब्ता करें, वो जश्न विलादत के मौके पर बाकायदा मीटर लगा देते हैं, आप चरागाह करें और उस मीटर के मुताबिक पेमेंट जो भी है, एक तरीकेकार जो है गवर्नमेंट का, उसके मुताबिक आप चले, उसूल के मुताबिक, वरना तो सवाब कैसे मिलेगा चोरी की बिजली से आप करेंगे तो, उल्टा गुनाह हो रहा है।